लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर निचली बस्तियों व गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। इस कारण उन्हें दो टाइम भोजन के लाले पड़ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेड़ा उठाया तथा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। प्रतिदिन करीब 400 लोगों तक भोजन पैकेट, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट एवं सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। बदनावर में जहां आपको कोई वंचित निराश्रित दिखे तो आवश्यक सामग्री, भोजन एवं दवाइयां उन तक निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक श्रीवास्तव, चिन्मय जोशी, प्रवीण शर्मा, आदित्य जैन आदि ने बताया कि संस्था द्वारा नगर की सभी गली मोहल्लों में जाकर भोजन पैकेट दिए जा रहे हैं, साथ ही दूध व आवश्यक दवाइयाँ भी दी जा रही है। श्याम मंगल, आप यह जो कार्य कर रहे हैं इसमें आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल, समाज से पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। पहले हम कुछ युवा मित्र इकट्ठे हुए, हमको लगा कि लॉकडाउन है देश के अंदर, तो हमारे शहर के आसपास रहने वाले बहुत सारे निराश्रित परिवार हैं जिनको भोजन की, दवाइयों की, दूध की, दैनिक उपयोगी वस्तुओं की जरूरत लगती होगी, तो हमने सोचा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम सब भाइयों ने मिलकर हमने सोचा कि हम क्यों ना हम आगे आके बदनावर के जनसेवक बने, हम आगे आके इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। तो जैसे जैसे हमने शुरुआत की उसके बाद से समाज के सभी लोगों से, सभी वर्ग से हमको सहयोग मिलना शुरू हुआ और हम अभी इसको पिछले तीन दिनों से निरंतर रूप से इसको चला रहे हैं और अगले आगने वाले 21 दिनों तक जो बाकी दिन बचे हैं उन तक हम निरंतर इस चीज़ को चलाते रहेंगे और आगे भी ऐसी समस्या और अगर बढ़ता है समय तो भी हम इसको निरंतर जारी रखेंगे और अपनी तरफ से हमारा कार्य पूरी स्वच्छता और अनुशासन के साथ। यह कार्य करने में आपके और आपके मित्रों के साथ आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समय कि दो लोग मिलकर हम जब जा रहे हैं पैकेट देने, परिवारों में जब भोजन नहीं होता है उनको बड़ी खुशी होती है जब उनको देखते हैं कि जैसे ही भोजन आता है तो हमारे लिए तैयार रहता है कि आप भोजन लेके आए, उनका भी कृतज्ञता हमारे प्रति दिखती है कि वो कितने खुश होते हैं उसको देख, हम जब उनके पास पहुँचते हैं तो उनको देख के हमें भी खुशी होती है कि नहीं यार।